मध्य प्रदेश के उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने ग्रामीण अभियंत्रिकी सेवा के उपयंत्री को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। विधायक निधि से बनाई गई सड़क का बिल पास करने के लिए वो एक ठेकेदार से ये रकम ले रहा था। इससे पहले लोकायुक्त की टीम ने आरोपी उपयंत्री की बातचीत भी रिकॉर्ड की थी, जिसमें वो ठेकेदार से रिश्वत लेने की बात करते हुए कह रहा है कि ये रकम कई अन्य अधिकारियों में वितरित होगी। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक आरोपी उपयंत्री से हुई पूछताछ के आधार पर जल्द ही इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लोकायुक्त इंस्पेक्टर बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि विधायक निधि से एक सड़क का निर्माण किया गया है। इसके लिए 2,36,000 रुपए का बजट जारी किया गया था। इसमें से ठेकेदार को आधी रकम का भुगतान पहले ही हो चुका है, जबकि काम पूरा होने के बाद बाकी बचे 1,20,000 रुपए का बिल अब ठेकेदार ने उपयंत्री के सामने दाखिल किया है। ये दिलीप कुमार सोनार्थी हैं, ये इन्होंने ग्राम पंचायत नंदवासला में विधायक निधि से भगवंत सिंह के घर से लेकर के मंदिर तक का सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए कार्य किया था, जो 2,36,000 रुपए का था। उस कार्य का दो बिल निकल चुके हैं, दूसरी किस्त जो निकलनी थी उसके लिए ये सोनू साहू जो उपयंत्री हैं उनसे मिले की नफ्ती और बिल बनाने के लिए, तो उन्होंने इनसे 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की है, जिस पर उनके द्वारा 26 तारीख को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के पास शिकायत की थी दिलीप सोनार्थी ने, जिस पर से एक ट्रैप ऑर्गेनाइज किया गया। 27 तारीख को उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कराई गई सोनू साहू की, और आज 28 तारीख को उनको उनके कार्यालय में 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया है और अभी मौके पर कार्रवाई जारी है। दिलीप सोनार्थी कौन है? दिलीप सोनार्थी ये ठेकेदार हैं जिन्होंने नंदवासला में कार्य किया है सीमेंट कंक्रीट रोड जो विधायक निधि से बनता है 2,36,000 रुपये का, उसके 80,000 रुपये निकल गए हैं और 1,20,000 रुपये का बिल और नफ्ती करने के लिए उनके द्वारा 20,000 रुपये की मांग की। आरोप है कि उपयंत्री ने बिल का भुगतान रोक दिया था। ठेकेदार दिलीप सोनार्थी ने इस मामले में पूछा तो आरोपी उपयंत्री सोनू साहू ने कहा 20,000 रुपए का भुगतान करने पर ही दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद ठेकेदार लोकायुक्त एसपी अनिल विश्वकर्मा के पास पहुंचा और इस मामले में शिकायत दी। इस शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी से टेलीफोन पर ठेकेदार की बात कराई। लोकायुक्त पुलिस ने इस बातचीत को भी रिकॉर्ड कर लिया है। फिर लेनदेन की जगह तय हुई और जाल बिछाकर टीम ने आरोपी उपयंत्री को दबोच लिया। लोकायुक्त के अधिकारी के मुताबिक आरोपी के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में पता चला है कि रिश्वत की रकम अकेले उपयंत्री ही नहीं लेता था, बल्कि रिश्वत की रकम की बंदरबांट ऊपर के भी अधिकारियों तक होती थी। ये बात खुद आरोपी कह रहा है। फिलहाल इस मामले में आरोपी से कड़ी पूछताछ की गई है। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके आधार पर जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है।